இடமூச்சினானம் உசிஹாதீஜின் வராணம் அடமியூனிய வட்டுமான ஜனநாகம் தம்மி தன்சனவீனானம் உச்சாமி பாயிவாகரணம் உச்சாமி பாயிவாகரணம் हम सभी लोग पिछले कुछ दिनों से प्राकृत व्याकरण सिद्धांत शब्दानुशासन का अध्ययन कर रहे हैं और इस व्याकरण के अंतर्गत पहला अध्याय जो आठवें अध्याय का पहला पाद है वो अब समाप्ति की ओर चल रहा है। इसलिए इस अध्याय में व्यंजनों के परिवर्तन के सूत्र अभी चल रहे हैं, उनमें से श व्यंजन तक हमने परिवर्तन के सूत्र पढ़ लिए थे और लगभग 260 सूत्रों का अध्ययन हम कर चुके हैं। आपके समक्ष 261 नंबर का सूत्र बोर्ड पर लिखा हुआ है, इसी सूत्र से हम यहाँ आज अध्ययन करना प्रारंभ करते हैं। सूत्र नंबर 261, स्नुषायाम णहो नावा, अर्थात स्नुषा शब्द में ये जो मूर्धन्य ष है उसके स्थान पर णह आदेश हो जाता है, आध ण और ह णह आदेश हो जाता है। स्नुषा उदाहरण देखेंगे अपन, इसकी प्राकृत बनेगी सुन्हा या सुषा, ठीक है। तो यहाँ जो तालव्य ये मूर्धन्य ष है, इस सा का हमने दंत सा किया, इससे जो पूर्व वाला सूत्र था उसके माध्यम से 260 नंबर के सूत्र से शशुषः और मूर्धन्य का दंत सा कर दिए यहाँ। और जो याध सावना संयुक्त व्यंजन है इसमें से ना का लोप करेंगे अधोमनयाम सूत्र से, 278 नंबर का सूत्र है अधोमनयाम जिसमें से ना का लोप किया, तो यहाँ जो ना में ऊ लगा हुआ है वो सा में जुड़ जाएगा, तो सु और ये वाला दंत सा, ठीक है। अब यानी कि ये दूसरा रूप तो यही सिद्ध हो जाता है, लेकिन यदि हम इस के स्थान पर दंत सा ना करें, तालव्य सा के स्थान पर मूर्धन्य सा के स्थान पर दंत सा ना करें, तो इस मूर्धन्य सा का पूरा के पूरा आदेश होता है णह, इसी सूत्र के अंदर 261 के अनुसार। तो यहाँ इस सा के स्थान पर रख दिया णहा, अर्थात शब्द बना सुन्हा, यानी दो रूप प्राप्त है। 261 सूत्र का प्रयोग करेंगे तो सुन्हा, और इस सूत्र का प्रयोग नहीं करेंगे 260 का प्रयोग करके बनाएंगे तो सुसा, ठीक है। अगला सूत्र 262 नंबर का, दस पाषाणे ह, इस सूत्र का भी हम कई बार संख्यावाची शब्दों को बनाने में प्रयोग कर चुके हैं। दस पाषाणे ह, यानी दस शब्द जिसमें आए या पाषाण शब्द जिस जिधर हो वहां पर उन दोनों सा के स्थान पर हा हो जाते हैं। दस में आया है तालव्य सा, उस तालव्य सा का भी हा होगा, और पाषाण में आया है मूर्धन्य सा, तो मूर्धन्य सा के स्थान पर भी हा हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से दोनों का अपन परिवर्तन देखेंगे। यहाँ उदाहरण दिया दस मुखा, दस मुखा उसकी प्राकृत बनेगी दह मुह या दस मुह, विसर्ग का ओ किया, यहाँ ये पुल्लिंग का शब्द है तो सी प्रत्यय लगाया, अतः सेवड़ो सूत्र का प्रयोग करके यहाँ पुल्लिंग का सी प्रत्यय ओ लगाया, तो दस मुखो, ठीक है। खा का हा होता है खागा थाधा भाम सूत्र का प्रयोग करके, 187 नंबर का है, खा का हा किया तो यहाँ खा के स्थान पे हा। फिर इस शा तालव्य शा के स्थान पर क्या करना है अपन को, हा किस सूत्र से, ये 262 का प्रयोग करके तालव्य शा के स्थान पे हा किया, ये दह मोह शब्द प्राकृत में बन जाता है। और यदि हम इस शा के स्थान पे हा आदेश ना करें, मतलब इस सूत्र का प्रयोग ना करें, शशोषाह सूत्र का प्रयोग करें, तो क्या हो जाएगा, उस तालव्य शा के स्थान पर दंत सा हो जाएगा, यानी 1260 नंबर का जो सूत्र है उसमें तालव्य मूर्धन दोनों सा के स्थान पर दंत सा होता है, तो इसमें तालव्य सा है हमारे उदाहरण में, तो इसके स्थान पर दंत सा हो जाएगा, तो दस मोह रूप भी इसका प्राकृत में बन जाता है। अगला उदाहरण लिखा दस रथा, यहाँ भी बिल्कुल सेम यही तरीका है, विसर्ग का ओ किया अतः छेड़ो सूत्र से, और था का हा किया खागा थाधा भाम सूत्र से, तो दस रथो और था का हा कर दिया तो दस रहो, और इस तालव्य सा का दंत सा किया तो दस रहो आएगा, और यदि हम इसी सूत्र का 262 नंबर सूत्र का प्रयोग करें तो दहरहो शा के स्थान पे हा हो जाएगा अर्थात दहरहो। एक उदाहरण और जो सूत्र में आया है पाषाण शब्द का, तो पाषाण
इसको और देख लेते हैं, पाषाणा, जिसकी प्राकृत बनेगी पहाड़ो, अर्थात विसर्ग का ओ किया तो क्या हो जाएगा पाषाणो। और ये मूर्धन्य सा के स्थान पर हा आदेश कर देंगे तो पहाड़ो, इसकी दो प्राकृत बनेगी अर्थात पाषाणो भी बनेगी, यानी मूर्धन्य सा के स्थान पर सिर्फ दंत सा आदेश यदि करते हैं तो पाषाणो भी बन जाएगी। इस तरह से दोनों रूप संस्कृत शब्द से प्राकृत में सिद्ध हो जाते हैं, तो ये सूत्र और उसके रूप पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाएंगे। इस प्रकार ये पूर्ण हुआ अगला सूत्र। अगला सूत्र है सूत्र नंबर 263। दिवसे शाह दिवसे शाह दिवस शब्द में दंत सा के स्थान पर हा हो जाता है। अभी तक जो सूत्र चल रहे थे वो तालव्य मूर्धन्य सा के स्थान पर दंत सा कर रहे थे या हा आदेश कर रहे थे, अब यदि दंत सा ही कहीं हो तो उस दंत सा के स्थान पर हा हो जाता है, किस शब्द में दिवस शब्द में, तो दिवस की प्राकृत बनाएंगे अपन दिवशाह, इसकी प्राकृत बनेगी दिवहो या दिवसो, विसर्ग का ओ किया यहां हमने अतोड़ो विसर्ग से सूत्र से, तो ये बन गया देवस रूप, ठीक है, दूसरा रूप सिद्ध हो गया। और सा के स्थान पे हा आदेश कर दिया इसी 263 नंबर सूत्र का प्रयोग करके तो देवा हो, ठीक है, इस प्रकार ये सूत्र पूर्ण हुआ। अगला सूत्र सूत्र नंबर 264। सूत्र है हो घोन स्वरात हो घोन स्वरात, अर्थात इस सूत्र के अनुसार हा का घा हो जाता है। देखिए कुछ कुछ विपरीतताएं भी होती हैं, अभी हमने एक सूत्र पढ़ा था जिससे रा का ला होता था, विपरीत सूत्र आया ला का रा भी होता है, ऐसे ही खागा धावा भाम जो सूत्र पढ़ा है हमने उसमें घा का हा होता है, लेकिन यहाँ घो हो घोन स्वरात इस सूत्र से हा का घा भी होता है। सा के बाद हा व्यंजन आता है, इसलिए जो अंतिम व्यंजन है इस प्राकृत की वर्णमाला में उसका परिवर्तन का ये सूत्र है हो घोन स्वरात, अर्थात हा का घा हो जाता है। उदाहरण इसका देखेंगे, संहारः, इसकी प्राकृत बनेगी संहारो या संहारो, विकल्प से होगा, कहीं होगा कहीं नहीं भी होगा, यदि नहीं होगा तो ये विसर्ग का ओ किया यही अतः सेवड़ो सूत्र से तो संहारो रूप प्राप्त हो जाएगा, और यदि कहीं हा के स्थान पर घा आदेश कर दिया तो क्या हो जाएगा संघारो, ठीक है। एक उदाहरण और, दाह, इसकी प्राकृत बनेगी दाघो या दाहो, वही अतोड़ो से अतोड़ो विसर्ग से सूत्र से इस विसर्ग का ओ किया तो बना दाहो, यानी दूसरा वाला रूप, और यदि हा के स्थान पर घा आदेश कर दिया तो दाघो, ठीक है। इस तरह से ये वाला सूत्र और इसके उदाहरण पूर्ण हुए। अगला सूत्र देखते हैं,
सूत्र नंबर 265, षट समी शाव सुधा सप्त पर्णेश्वर देश छ। कई बार प्रयोग भी किया हमने, षट समी शाव सुधा सप्त पर्णे श्वा देश छ। ये है सूत्र। यानी इतने शब्द लिखे, षट शमी शाम सुधा और सप्तपर्ण। इन सूत्रों में, इन शब्दों में तीनों सा के प्रयोग हो गए, ये मूर्धन्य सा हो गया, ये दोनों में तालव्य सा हो गया, और इन दोनों में दंत सा हो गया। तीनों शा के स्थान पर छा होता है, लेकिन शब्द विशेष इन्हीं शब्दों में। तो कौन कौन सी शा करें? सबसे पहले मूर्धन्य सा, उसके बाद तालव्य सा, और उसके बाद दंत सा। उन तीनों के स्थान पर ह और द आदेश हो जाता है अलग अलग शब्दों में। तीनों के उदाहरण देखेंगे। सबसे पहला शब्द का उदाहरण जो है श्रष्ठ, प्राकृत बनेगी छठो। श्रष्ठ यानी छह के लिए छठो, ठीक है। यहां विसर्ग का ओ किया एक वाय 37 नंबर के सूत्र से, अतः शेडो नहीं अतोडो विसर्ग से, जो संयुक्त व्यंजन है उसमें से मूर्धन्य सा उसके स्थान पर अपन को क्या आदेश करना है? छा आदेश करना है। मूर्धन्य सा संयुक्त व्यंजन वाले में से नहीं, जो आदि में है वो वाला, क्योंकि इसमें दो मूर्धन्य सा है, लेकिन संयुक्त के साथ ये व्यंजन परिवर्तन के सूत्र प्रयोग में नहीं होते हैं, इसलिए यहाँ आगे वाला जो शाह है उसके स्थान पर अपन ने 265 नंबर के सूत्र का प्रयोग करके मूर्धन्य सा के स्थान पर छा आदेश किया। और जो संयुक्त व्यंजन है उसमें का जो मूर्धन्य सा है उसका हम लोप करेंगे। 277 नंबर के सूत्र से इस मूर्धन्य सा का लोप। तो क्या बचा? ठो बचा। जो शेष बचता है उसको द्वित्य करते हैं, यानी अनादव शेष आदेशी और द्वितम से ठाका द्वित्य किया। चूंकि ये टवर का दूसरा वर्ण है ठा, इसलिए द्वित्य अपने से पूर्व वाले के साथ बनाएगा, अर्थात द्वितीय तुरीय उपरी पूर्व इस सूत्र का भी प्रयोग किया जाएगा। अर्थात इसको कैसे लिखेंगे? पहले वाले ठा के स्थान पर टा आदेश हो जाएगा, छठो। ये रूप षष्ठ का प्राकृत बनेगा छठो। ये मूर्धन्य सा का एक उदाहरण हुआ। अब हम एक तालव्य सा का उदाहरण भी देखेंगे। जैसे दूसरा उदाहरण है शाव, शावा, इसकी प्राकृत बनेगी छावो। विसर्ग का ओ कर दिया अतोडो विसर्ग से, और जो आगे मूर्धन तालव्य शा है उसके स्थान पर छा आदेश कर दिया इसी सूत्र का प्रयोग करके। तो ये बन जाएगा छावो। इस तरह से एक दंत सा का उदाहरण सुधा, जिसकी प्राकृत बनेगी छुहा। सुधा का छुहा। धा का हा होता है एक बार 187 नंबर के सूत्र से, खा घा धा धा, खा घा था धा भाव। सा के स्थान पे क्या करना है? हमें छा आदेश करना है 265 नंबर के सूत्र से, तो क्या कर देंगे? छुहा, ठीक है। इसी तरह से तीनों शा के स्थान पर हमने एक एक उदाहरण उनका देखा। इस तरह से सूत्र पूर्ण हुआ। अगला सूत्र, सूत्र नंबर 266,
266 नंबर का सूत्र है शिरायाम वा। शिरायाम वा अर्थात शिरा शब्द में भी श का छ हो जाता है। शिरा शब्द में भी श का छ हो जाता है। उदाहरण शिरा, जिसकी प्राकृत बनेगी छिरा या सिरा। इसी सूत्र का 266 नंबर सूत्र का प्रयोग करेंगे तो इस सा के स्थान पर छ कर दिया। और एक बार 260 नंबर का सूत्र सशोषाह सूत्र का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस सा के स्थान पर दंत सा भी हो सकता है। इस तरह से दोनों रूप यहां सिद्ध हो जाए। अगला सूत्र, सूत्र नंबर 267, लुघुभाजन धनुज राजकुले जहां सस्वरस्य नावा। पुनः इस सूत्र को उच्चारण करेंगे अपन। लुघुभाजन धनुज राजकुले जहां सस्वरस्य नावा। इस सूत्र का अर्थ है, ये कह रहा है कि भाजन शब्द में, धनुज शब्द में और राजकुल शब्द में स्वर सहित जा का, सस्वरस मतलब स्वर सहित जा का विकल्प से लोप होता है, लोग यानी लोप होता है। किसका? जा स्वर सहित यानी पूरे जा का। देखिए, हमने एक सूत्र पढ़ाया पूर्व में, कागा चाजा तादा पाया वाम प्राय लोप, उससे भी हम जा का लोप करते हैं, परंतु वहां स्वर रहित जा का लोप होता है और संयुक्त में से होता है, ये नियम याद रखना, यानी हलंत वाले जा का लोप होता है। लेकिन ये सूत्र क्या कह रहा है, इन इन शब्दों के लिए कह रहा है, भाजन धनुज राजकुल शब्द के लिए, कि स्वर सहित जा का लोप होता है, यानी जा में जो भी स्वर हो, यदि आ है, ई है, ऊ है, कोई भी स्वर लगा हो, स्वर सहित जा का लोप होता है, अकेले जा का नहीं। उदाहरण देखेंगे अपन, भाजनम, जिसकी प्राकृत बनेगी भाड़म या भायरम। वही 3 वाय 25 और 1 वाय 23 नंबर के सूत्र से नपुंसक लिंग का सी प्रत्यय लगाएंगे और मां का अनुस्वार करेंगे। नोड़ा सूत्र का प्रयोग करके ना का णा आदेश कर देंगे। अब बीच में जो जा है, इस जा का लोप हम किस सूत्र से करेंगे, 267 नंबर सूत्र से। स्वर सहित जा का लोप करना है, स्वर उसमें आ लगा हुआ है, अर्थात पूरे जा का लोप करेंगे, तो इस सूत्र का प्रयोग किया, लुघुभाजन धनुज राजकुले जा सस्वर से नावा, क्या बन जाएगा, जा का लोप बना किया तो भाड़म। ठीक है, और यदि हम यदि जा का लोप स्वर सहित ना करें, इस सूत्र का प्रयोग ना करें, वही कागा चाजा तादा पाया वाम प्राया लोप उस सूत्र का प्रयोग करें, तो हलंत वाले स्वर का लोप किया जाएगा, तो यहाँ हलंत वाले जा का, तो इसमें क्या बचेगा, जा का लोप किया तो आ बचा यहाँ पर, तो भा अड़म। और उसके बाद अवर्णी यश्रुति इस सूत्र का प्रयोग करके आ का यह कर देंगे तो रूप बनेगा हमारा भायणम। ये शब्द सिद्ध हुआ। भाजनम का भाड़म इस 267 सूत्र का प्रयोग करके बनेगा और भायणम 177 नंबर सूत्र का प्रयोग करके
बनेगा। अगला उदाहरण देखेंगे हम, धनुज बधा राजकुलम। पहले देखते हैं राजकुलम, राजकुलम इसकी प्राकृत बनती है राउलम अथवा रायकुलम। यही 3y25 1y23 सूत्र से माँ का अनुस्वार किया तो बन जाएगा राजकुलम। काका लोप किया, कागा चाजा तादा पायवाम प्राया लोप सूत्र से काका लोप किया, क्या बन जाएगा राजकुलम। का में जो ऊ स्वर है वो यहाँ शेष बचे है और जा को स्वर सहित लोप किया इस 267 नंबर के सूत्र से तो क्या बन जाएगा राउलम। ठीक है, एक काम तो ये हुआ राउलम शब्द बनाने के लिए, दूसरा शब्द रायउलम ये बनाने के लिए इस जा का इसी सूत्र से कागा चाजा तादा पायवाम प्राया लोप से लोप किया तो जा के स्थान पे क्या बचेगा राउलम। और अवर्णय श्रुति करने से रायउलम। ये रूप दोनों सिद्ध होते हैं। अगला उदाहरण, एक उदाहरण इसका और देखेंगे हम इसी सूत्र का, धनुज बधा इसकी प्राकृत बनेगी धनु बहो अथवा धनु अ बहो। विसर्ग का ओ किया 1y37 नंबर के सूत्र से धाका हा हो जाएगा खागा थादा भाम सूत्र से नोणाहा सूत्र का प्रयोग करके नाकाणा कर देंगे। और इसी 267 नंबर सूत्र का प्रयोग करके जा को जो स्वर सहित लोप कर देंगे 1y267 से जा स्वर सहित लोप तो क्या बचा दणु और बहु। और यदि हम कागा चाजा तादा पायावाम प्राया लोप सूत्र का प्रयोग करें तो हलंत वाला जा लोप होगा तो आशेष बचेगा यहां से तो दणु है बहु, यानी ये दूसरा रूप इसका जो है वो इसका सिद्ध हो जाता है संस्कृत से प्राकृत बनाने के लिए। अब अगला सूत्र देखेंगे हम, जिस सूत्र में अभी तक हमारे जितने व्यंजन थे सीधे सीधे जिन व्यंजनों का लोप होना था वो तो सारे सूत्र हो चुके, अब जो अंत में चल रहे हैं अर्थात स्वर सहित जिन व्यंजनों का लोप होना है उन सूत्रों का वर्णन यहाँ अब चल रहा है। स्वर सहित अभी तक जो अपन आदेश करते थे उसमें स्वर नहीं जुड़ा होता था, सिर्फ व्यंजन व्यंजन का आदेश होता था, तो ये याद रखेंगे अपन।
सूत्र नंबर 268, सूत्र है व्याकरण प्राकार गते कवो। व्याकरण प्राकार गते कगो, अर्थात व्याकरण और प्राकार शब्द में जो क व्यंजन है वो पूर्ण रूप से लोप होता है, निस्वर सहित लोप होता है, क का स्वर सहित और ग का भी स्वर सहित लोप। अब देखो इसमें हमने हलंत नहीं लगाया है, निस्वर सहित है, ठीक है, पूरे काका लोप होता है। उदाहरण लिखेंगे व्याकरणम, प्राकृत बनेगी वारणम या वायरणम, 3y25 1y23 नंबर के सूत्र से नपुंसक लिंग का सी प्रत्यय लगाते हुए मां का लोप। आगे जो संयुक्त व्यंजन है उसमें से या का लोप करेंगे अधो मनयाम सूत्र से 2y78, या का लोप किया तो जो या में स्वर है वो वा में जुड़ जाएगा, वाकरणम। अब इस सूत्र में इस शब्द में क व्यंजन आ रहा है, उस का का पूर्ण रूप से लोप करना है 268 नंबर सूत्र का प्रयोग करके। तो काका लोप इस 268 क्या बचा, वारणम, यही रूप सिद्ध हो गया व्याकरणम का, वारणम। और इस शब्द को फिर से देखें, यहां यदि हम उस 177 नंबर वाला सूत्र काका जाजा तादा पाया वाम प्राय लोप से इस काका लोप किया, यहां हलंत वाले काका लोप करना है, इसका लोप किया तो क्या बचेगा, अशेष बचेगा वा अरणम। और अवर्णे यश्रुति सूत्र का प्रयोग करके अ के स्थान पर यह आदेश कर देंगे वा यरणम, ये इसका दूसरा रूप हमें सिद्ध हो जाता है, ठीक है। अगला उदाहरण प्राकारः, जिसकी प्राकृत बनेगी पारो अथवा पायारो, विसर्ग का ओ किया 1y37 सूत्र से अतः सेडो नहीं अतोडो विसर्ग से, सर्वत्र लवराम बंद्रे सूत्र से रेफ का लोप किया, स्पाकारो शब्द में से क व्यंजन का पूर्ण रूप से स्वर सहित लोप, यानी इसमें बड़ा का है दीर्घ का है तो दीर्घ स्वर सहित उसका लोप किया जाएगा, अर्थात 268 नंबर के सूत्र से दीर्घ काका लोप। तो यहां काका लोप करने पे बना पारो। और इसी शब्द को यदि हम देखें, यही 177 नंबर वाले सूत्र से काका लोप किया तो क्या बनेगा, पा आरो, और अवर्णीय श्रुति करके पायारो, ये दोनों सूत्रों का प्रयोग करके पायारो ये यहां पर बन जाएगा। इसी प्रकार एक उदाहरण और कहा है आगता, इसकी प्राकृत बनेगी आओ या आगो, विसर्ग का ओ किया अतोडो विसर्ग से सूत्र से, एक 177 नंबर का सूत्र कागा चाजा तादा पाया वाम प्राय लोप सूत्र से
निष्ठा का लोप किया। आगो ये दूसरा रूप इसका सिद्ध हो गया। और स्वर सहित यदि गा को हम लोप करें किससे, 1/268 नंबर का सूत्र जो चल रहा है, स्वर सहित यानी पूरे गा का लोप किया तो क्या हो जाएगा, आओ। ये इसका पहला रूप प्राप्त होता है। इस प्रकार से ये शब्द और इसके उदाहरण दोनों सिद्ध हो जाते हैं पूर्ण हुए। अगला सूत्र सूत्र नंबर 269 किस लय कालायस हृदय यह तीन शब्द लिखे हैं, किसले कालायश और हृदय शब्द। इसमें स्वर सहित या का लोप होता है, स्वर सहित या का लोप, ठीक है। इस सूत्र का ये कारण तीनों शब्दों में या का लोप करना है। उदाहरण देखेंगे, किस लयम जिसकी प्राकृत बनेगी किसलम या किस लयम, तीन वाय 25 एक वाय 23 नंबर के सूत्र से नपुंसक लिंग का सी प्रत्यय लगाते हुए मां का अनुस्वार करेंगे। मां का अनुस्वार किया थे, दूसरा रूप हमारा सिद्ध हो गया है। और इसी सूत्र का 269 सूत्र का प्रयोग करके क्या करना है हमें, या का लोप। पूर्ण रूप से इस या का लोप किया तो इस पे जो अनुस्वार है वो ला पे लग जाएगा, किसलम। इसी तरह से दूसरा शब्द कालायसम जिसकी प्राकृत बनेगी कालासम या कालायसम, यही 3/25 1/23 नंबर के सूत्र से मां का अनुस्वार किया तो कालायसम ये रूप जो प्राप्त हुआ था दूसरा रूप सिद्ध हो जाता है। और या के स्थान पर या का पूरा लोप कर दिया इस 269 सूत्र से तो क्या बचेगा, काला सम। तीसरा उदाहरण हृदय शब्द का है। इसका हृदय शब्द के जो भी उदाहरण दिए हैं वो शब्द ना दे करके पूरा वाक्यांश दिया है, अर्थात इसको हम अलग से लिख करके समझते हैं। महारणव समाह हृदय ये संस्कृत वाक्यांश है, इसकी प्राकृत बनेगी महारणव समासहिया।
संस्कृत वाक्यांश है महार्णव समा सहृदया, और उसकी प्राकृत बनेगी महार्णव समा सहिया। ठीक है, अब सबसे पहले अपन एक एक शब्द को देखें, महार्णव शब्द को सिद्ध करें। सर्वत्र लवराम मंत्र सूत्र का प्रयोग करके रेप का लोप करेंगे। जी, ये जो संयुक्त अक्षर था इससे पहले दीर्घ स्वर है उसको ह्रस्व करने के लिए सूत्र लगाएंगे, 184 नंबर का ह्रस्वः संयोगे, तो दीर्घ आ के स्थान पर ह्रस्व आ। और जब हमने रेप लोप किया तो जो शेष बचता है उसको द्वित्य किया जाता है, द्वित्य करने के लिए सूत्र 2y89 अनादव शेषा देशो द्वितम वणा का द्वित्य होगा। ये महारणव का प्राकृत बने महारणव। ठीक है, अगला शब्द समाह, समा साहित्य एक साथ देख दिया हमने, एक मिनट इस शब्द को यहां लिखते हैं, महार्णव समाह इसकी प्राकृत बनेगी, महार्णव समाह अर्थात ये जो विसर्ग लगा हुआ है अर्थात इसमें विभक्ति लगी हुई है इसलिए इस शब्द को एक साथ लिखा महार्णव समाह। तो कौन सी विभक्ति लगी हुई है, तो महार्णव धन समा धन जस प्रत्यय लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, जस प्रत्यय यानी बहुवचन, प्रथमा बहुवचन विभक्ति लगी हुई है। तो यहां हमने महार्णव का महार्णव रूप बनाया था अभी महार्णव। ठीक है, रेफ का लोप किया तो महार्णव और समा ऐसे लिखा जाएगा, प्लस जस प्रत्यय के लिए कौन सा सूत्र है, 3y4 नंबर का जस ससोर लोप, यानी जस प्रत्यय की प्राप्ति भी होती है उसका लोप भी होता है, जस ससोर लोप, जस की प्राप्ति एंड लोप, प्राप्त भी किया लोप भी अर्थात उसको भी प्रत्यय नहीं आया। ठीक है, यहां पर हम नहीं लिखेंगे, इसके साथ में इसका जुड़वा भाई एक और सूत्र लगता है 3y12 नंबर का, जिससे जस प्रत्यय जो होता है उससे पहले वाला शब्द में दीर्घ आ हो जाता है, ह्रस्व आ के स्थान पर दीर्घ आ, तो जो समा में मा है वो दीर्घ हो गया। और यहाँ ये महार्णव का ये दोनों सूत्रों का तीनों सूत्रों का प्रयोग दोनों तीन सूत्रों का प्रयोग करके महार्णव बन चुका है, हम पूर्व में बना चुके थे, रेफ का लोप किया तो महार्णव बचा और अनादव शेषा देशो द्युत्तम से ना का द्युत्त कर दिया, और संयोग से पहले ह्रस्व होना चाहिए यानी ह्रस्व संयोग सूत्र का प्रयोग करके महार्णव बना है, तो इस शब्द को जोड़ दिया महार्णव समा। इतना यहां तक सिद्ध हो गया। अब अगला शब्द लिखेंगे हम सहृदया, सहृदया इसकी प्राकृत बनाने, इसमें भी हृदय शब्द में जस प्रत्यय लगा हुआ है, तो सहृदय धन जस, ये 3y4 नंबर का सूत्र का प्रयोग किया जस की प्राप्ति और उसका लोप, फिर 3y12 नंबर के सूत्र से अ के स्थान पर दीर्घ आ जस प्रत्यय से पहले जो शब्द है तो सहृदय या बन जाएगा, जस का लोप कर दिया और इससे पहले वाला या जो है दीर्घ हो गया। री में जो हमें री लगी हुई है इस री का लोप करने के लिए 1y200 128 नंबर का सूत्र इत कृपादव, जिससे री के स्थान पर ई आदेश हो जाता है, तो सा हिद
वाई 269 जो सूत्र अभी चल रहा है उस सूत्र से हम या का लोप कर दें, पूर्ण व्यंजन सहित स्वर सहित व्यंजन का लोप कर दें तो क्या बचेगा, सा ही दा। जो या का स्वर है वो दा में जुड़ जाएगा। अर्थात दा का लोप किया 1y 177 नंबर के सूत्र से, कावा चा जाता दा पाया वाम प्रायः लोप सूत्र से, तो सही या दा के स्थान पे आवाजा। पूरा वाक्यांश लिख देंगे अपन जो अपन ने बनाया है, महर्णव समा सहिया। ठीक है, ये इसकी प्राकृत बने महर्णव समा सहृदया, इसकी प्राकृत बने महर्णव समा सहिया। इस तरह से ये वाक्यांश पूर्ण हुआ और ये उदाहरण भी पूर्ण हुआ। एक उदाहरण और है इसमें, एक नहीं दो उदाहरण है, वो भी वाक्यांश के रूप में ही है, उनको भी हम सिद्ध कर लेते हैं। थोड़े बड़े बड़े हैं इसलिए समय लगेगा। यदा ते सहृदयी गृह्यन्ते, ये वाक्यांश है, इसकी प्राकृत बनेगी जाला ते सही सही है एहिम घेपंती, ये वाक्यांश है। एक एक शब्द देखेंगे, यदा के स्थान पर जाला आदेश होता है, ये यव्य है अव्य है। यदा अव्य का अर्थ होता है जिसमें कोई भी विभक्ति जोड़ने पर भी कोई परिवर्तन नहीं होता, वो वैसे के वैसे ही रहते हैं। तो यदा जो है ये एक अव्यय है जिसमें प्राकृत में यदा के स्थान पर आला आदेश हो जाता है, सूत्र नंबर 3y 65 से। दा के स्थान पर आला, दा जो है उसके स्थान पर आला, यहां पर य आला ये रूप बना। और य का इसी सूत्र से 1y 269 नंबर के सूत्र से या का लोप किया, नहीं अभी या के स्थान पे जा आदेश करना है। 245 नंबर का सूत्र आदेर योजह आदि में है या, इसलिए आपके स्थान पे या के स्थान पे जा आदेश करना है। और ये आ इसी में जुड़ जाएगा, नहीं इसकी संधि हो गई तो ये बन गया जाला। अगला शब्द है ते, ते इसका मूल शब्द होता है तत, तत सर्वनाम है, उस सर्वनाम से ये ते बना है। तो मूल शब्द लिखेंगे हम तद, धन उसमें जस प्रत्यय लगा हुआ है, जस का अर्थ समझते हैं ना, प्रथमा बहुवचन। तद सर्वनाम में से 1y 11 नंबर का सूत्र लगाया, अंत व्यंजन से दा का लोप किया। यहां बचा ता अकेला। जस प्रत्यय के लिए सर्वनाम के लिए अलग सूत्र है, 3y 58 नंबर का सूत्र है जिससे जस प्रत्यय लगेगा, अतः सर्वार्धे डे जसहा, इस सूत्र को लिख देते हैं, अतः
सरवार दे देर डे जसहा, अर्थात जस के स्थान पर ए हो जाता है। दोनों को जोड़ा, संधि कर दी, तो बन गया ते। अगला शब्द है सा हृदयी, हृदय अर्थात इसमें तृतीय बहुवचन विभक्ति लगी हुई है। सा हृदय धन भिस, तृतीय बहुवचन को बोलते हैं हम भिस। तीन व सात नंबर का सूत्र है जिसमें भिस का प्रत्यय है भिस ही, ही, ही। इस सूत्र से भिस के स्थान पर ही आदेश हो जाएगा। और हा में जो री है इसको भी एक वाय 128 से एक कृपादव सूत्र से री के स्थान पर ई आदेश कर दिया जाए। ठीक है, साहिद है ही। दा का लोप किया, वही कागा चाजा तादा पाया वाम प्राया लोप सूत्र से एक वाय 177 से दा का लोप किया। और यहाँ इस सूत्र का अभी जो ऊपर सूत्र चल रहा है 269 इस सूत्र का प्रयोग करके हम या का लोप कर देंगे। 269 से या का लोप। और ये ही भी इसमें जोड़ देंगे। ही का जो सूत्र लगा है उसके साथ में एक सूत्र और लगेगा यहाँ पे जो इसी का जुड़वा भाई है। 3 वाय 15 नंबर का सूत्र है भिस भ्यस सुपी, भिस भ्यस सुपी, अर्थात जहां पर ये ही जुड़ता है वहां अस्वर के स्थान पर ए हो जाता है। अस्वर के स्थान पर ए यानी जो जो अस्वर है इसके स्थान पर क्या हो जाएगा ए। आसर के स्थान पर ए, यहां ए हो जाएगा। ये इसके स्थान पर इससे पहले ए जुड़ेगा, मतलब जो शब्द चल रहा है उसमें ए लगाना है। यहां तक अपना सही है, यहां का अपना लोप हुआ और ये ए ही इसमें जुड़ेगा। तो सही है और ए ही। अभी वाक्यांश पूरा नहीं हुआ है, एक शब्द और उसमें से इसे घेपंक्ति कैसे निकालेंगे उसको और देखते हैं। इतना मिटा रहे हैं और ऊपर लिखते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा बड़ा वाक्यांश दिया है एक एक उदाहरण में। ग्रहयन्ते ये शब्द बचा है, यदा हो गया, ते हो गया, सहृदय ये सिद्ध कर दिया और ग्रहयन्ते ये बचा है। इसके स्थान पर अपन को लिखना है घेपंक्ति सिद्ध करना है। तो ये इसमें ग्रह जो है वो धातु है, उसमें कर्मणि प्रत्यय लगा हुआ, कर्मणि वाच्यार्थ बोधक प्रत्यय या, कर्मणि वाच्यार्थ बोधक प्रत्यय या। ठीक है, और क्या लगा हुआ है, ये ते अंते जो लगा हुआ है ये वर्तमान काल प्रथम पुरुष का बहुवचन है, वर्तमान काल प्रथम पुरुष बहुवचन प्रत्यय।
ठीक है, इसको अलग अलग कर दिया हमने। 4y 256 नंबर का सूत्र है जिससे इस ग्रह के स्थान पर घेप आदेश हो जाता है। ग्रहेर घेप, इस सूत्र से ग्रह के स्थान पर घेप आदेश हो जाता है। यहां लिख देंगे अपन घेप धन। कर्मणि वाच्यार्थ प्रत्यय इस प्राकृत भाषा में प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए उसके स्थान पर कुछ भी नहीं रहेगा, जीरो और धन। ये जो वर्तमान काल का प्रथम पुरुष का बहुवचन प्रत्यय है, इसके लिए इसके स्थान पर अंति हो जाता है। किस सूत्र से? 3y 142 नंबर के सूत्र से। वहुष्वाद्यस्य अंति इन्ते इरे, इस सूत्र से अंते के स्थान पर अंति। ये जो इन्ते था ना, इसके स्थान पर अंति जोड़ दिया, सबको संधि कर दी, घेपंती। पूरा वाक्यांश लिखेंगे जो हमने अभी बनाया है। यदा का बना था प्राकृत जाला, ते की प्राकृत ते ही थी, और सा हृदय इसकी प्राकृत बनाई थी सही एहिम, और ग्रह अंते की घेपंति। इस तरह से ये सिद्ध हुआ। अगला सूत्र, इसका एक उदाहरण और अभी शेष बचा है, वह भी वाक्यांश है, वह आप स्वयं अभ्यास करके बनाइएगा। अगला सूत्र है दुर्गा देव्युंदुम्बर पाद पदन पाद पतन पाद पीठन तरदहा। दो सौ सत्तर नंबर का सूत्र है। दुर्गा देव्यु दुम्बर पाद पतन पाद पीठन तर्दहा। अर्थात इतने शब्दों में दुर्गा देवी, मतलब दुर्गा देवी शब्द में, उदंबर शब्द में, पाद पतन शब्द में और पाद पीठ, इनके इन शब्दों में जो तो अंतर मध्य भाग में अर्थात बीच में या अंत में कोई स्वर सहित दा आए तो उसका लोप होता है। स्वर सहित दा का लोप, ठीक है, स्वर सहित दा का लोप। एक शब्द डाला यहाँ सूत्र में अंतर मध्य भाग। अंतर मध्य का अर्थ है कि आदि में या अंत में नहीं होना चाहिए, मध्य में होना चाहिए, आंतरिक या मध्य में होना चाहिए, ठीक है, आदि में नहीं होना चाहिए। जैसे उदाहरण दिया उन्होंने दुर्गा देवी, यानी जो आदि वाला दा है इसका स्वर सहित लोप नहीं होगा, बीच में अंत में हो सकता है, ठीक है। इसकी प्राकृत बनेगी दुग्गावी या दुग्गा एवी। ठीक है,
सबसे पहले इसमें जो बीच में दा है इस दा का लोप करेंगे हम। एक वाय 177 नंबर सूत्र कावाचार्य तादा पायावाम प्रायः लोप इस सूत्र का प्रयोग करके दुर्गा एवी। नहीं, पहले हम इस सूत्र का प्रयोग नहीं करेंगे, पहले सर्वत्र लवराम बंदरे सूत्र का प्रयोग करके रेव का लोप करें। तो दुर्गा और देवी, रेव लोप हो गई, दुर्गा देवी। आगे जो शेष बचता है उसको द्वित कर दिया जाता है। तो 2/89 अनादव शेषा देशो द्वितम सूत्र से दा को द्वित किया, दुर्गा देवी। अब हम इस 270 नंबर सूत्र का प्रयोग करेंगे। द स्वर को व्यंजन, द व्यंजन को स्वर सहित लोप करेंगे, लेकिन कौन से दा को? ये बीच वाले दा को, क्योंकि पहले ही कह दिया आदि वाला नहीं होना चाहिए, अर्थात 1/270 से दा का लोप। दुर्गा भी स्वर सहित करना है, इसलिए पूरे दे का होगा, दा में जो ए स्वर लगा हुआ है उसके सहित होगा, अर्थात दे का लोप हो जाएगा। तो दुर्गा भी इसका रूप पहला वाला सिद्ध हो जाता है। और दूसरा रूप सिद्ध करने के लिए 1/177 नंबर का सूत्र यानी कागा चाजा तादा पायावाम प्रायः लोप, उस सूत्र से दा का लोप करेंगे। तो दुर्गा एवी, ये रूप दूसरा वाला सिद्ध हो जाता है। अगला उदाहरण है उदुम्बरा। इसकी प्राकृत बनेगी उम्बरो अथवा उम्बरो। 1/37 नंबर के सूत्र से विसर्ग का किया हमने ओ, उदुम्बरो जो संयुक्त व्यंजन है उसका हम अनुस्वार भी कर सकते हैं, परंतु यहाँ ऐसे ही प्रयोग की इसलिए अनुस्वार नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो दा का लोप करना है इसमें स्वर सहित यानी 1/270 नंबर के सूत्र से स्वर सहित यानी ऊ सहित इसका दू का ही लोप किया, क्या बचा? उम्बरो। और यदि इसमें से अकेले दा का लोप करें कागा चाजा तादा पायावाम प्रायः लोप से तो क्या बचेगा? वो ओम बरो। इस तरह से दोनों रूप सिद्ध कर दिए। अगला शब्द इसमें उदाहरण देखते हैं। पाद पतन शब्द है, पाद पतनम। इसकी प्राकृत बनेगी पाव डड़म अथवा पाय वडड़म। तीन वाय 25 और 1/23 नंबर के सूत्र से माँ का हम अनुस्वार कर देंगे। नोड़ाह सूत्र का प्रयोग करके ना के स्थान पर ण आदेश कर देंगे। ता के स्थान पर डा करना है। चौथे अध्याय का 219 नंबर का सूत्र है सद पतोर डह, अर्थात पत शब्द में ताका डा हो जाता है। सद पतोर डह, इस सूत्र से ताका किया हमने डा। पाद
पटनम। पोवहा सूत्र का प्रयोग करके पाका वाक्य। अब इस 270 नंबर सूत्र का प्रयोग करके दा को स्वर सहित लोप किया। पाव डड़म, ठीक है। और यदि स्वर सहित लोप ना करें, 1/177 का प्रयोग करें तो दा का लोप किया तो यहां क्या बचेगा, पा अ वडणम। और अवर्णे यश्रुति करते हुए आ का या कर दिए। ठीक है, दोनों रूप प्राप्त हो गए, पाव डडम और पाय वडम। अगला उदाहरण देखेंगे। पाद पीठम, इसकी प्राकृत बनेगी पावीढ़म। अथवा पायवीढ़म, वही 3/25 और 1/23 नंबर के सूत्र से माँ का किया हमने अनुस्वार, तो पाद पीठम। ठा का ढा हो जाता है, ठोडहा सूत्र का प्रयोग करके 1/199 सूत्र से ठा के स्थान पर ढा आदेश किया। और यहाँ दा का स्वर सहित लोप किया इस 270 नंबर सूत्र के, तो पा पी ढम। और पोवहा सूत्र का प्रयोग करके इस पा के स्थान पर वा आदेश किया, प्रारंभ वाले पा का नहीं जो बीच में आया है उसका, पा बी ढम। और अगले स्टेप में यदि हम इस दा का 1/177 नंबर से लोप करें और फिर अवर्णय श्रुति करें तो क्या हो जाएगा, पा आ वीढ़म। और आ का या कर दिए तो पाए वीढ़म। ये शब्द यहाँ सिद्ध होता है। इस प्रकार से ये शब्द और इसके पूरे उदाहरण सूत्र के सारे यहाँ सिद्ध हो जाते हैं। आगे हम अगला सूत्र देखेंगे जो इस अध्याय का अंतिम सूत्र है। इस प्रकार से ये अध्याय हमारा समाप्ति की ओर चल रहा है और इस अध्याय को मतलब पहले 8वें अध्याय का प्रथम पाद, अध्याय नहीं अध्याय तो अभी बहुत सारा बचा है, उस अध्याय में 4 पाद है, तो इस प्रथम पाद का ये अंतिम नंबर का सूत्र अब हम लिख रहे हैं। सूत्र है यावत्ता 271, यावत्ता जीविता। वर्तमाना वट, प्रावरक, देव कुलैव, मे वेवः, यानी इसमें ये 4-5 शब्द बता रहे हैं, यावत तावत जीवित, आवर्तमान अवट, प्रावरक देवकुल और एवमेव। इन शब्दों में पाव्यंजन स्वर सहित पा का लोप, इतने शब्दों में
पा का स्वर सहित लोप हो जाए। पाका नहीं सॉरी वा का, पा तो है ही नहीं है, वा वा का। ठीक है, उदाहरण लिखेंगे पहला नंबर का यावत, जिसकी प्राकृत बनेगी जाव या केला जा अथवा जाव। ठीक है, कैसे बनेगी? अंत में हलंत वाला व्यंजन है उसको लोप करेंगे, 1/11 नंबर के सूत्र से हलंत वाले टाका लोप। यहां बचा या, आदिर योजा सूत्र का प्रयोग करके आदि के या का जा कर देंगे। ये बना जाव, यानी दूसरा रूप इसका प्राप्त हो गया। अब हम इस वा का लोप करना है स्वर सहित इस 271 नंबर सूत्र का प्रयोग करके। क्या बचा? जा। ठीक है, इसी तरह से तावत शब्द आप बना लेंगे, तावत का ता और ताप प्राकृत बनेगी। अगला शब्द देखते हैं जीवितम, इसकी प्राकृत बनेगी जीएम या जीवीएम। 3/25 और 1/23 नंबर के सूत्र से हम मां का अनुस्वार कर देंगे, नपुंसक लिंग का सी प्रत्यय लगा हुआ है इसलिए जीवितम। ताका लोप किया 1/177 नंबर सूत्र कागा चाजा तादा पायावाम प्रायः लोप सूत्र से जीवी अम, यानी ये रूप तो हमारा सिद्ध हो गया इस सूत्र को लगाए बिना। लेकिन जब हम सूत्र को लगाएंगे तो क्या करेंगे, ये 271 नंबर सूत्र का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ क्या करना है, हमें स्वर सहित लोप करना है। ऊपर वाले में तो वा में आई था इसलिए वा पूरा लोप किया, लेकिन यहाँ क्या है, वा में ई लगी हुई है अर्थात पूरे वी का लोप होगा, तो क्या बना जी अम। ठीक है, अगला उदाहरण आवर्तमान, जिसकी प्राकृत बनेगी अत्यमाणो अथवा आवर्तमाणो। विसर्ग का ओ कर दिया हमने अतोडो विसर्ग से सूत्र से। नोणा सूत्र का प्रयोग करके नाका किया ना। रेफ का लोप करने के लिए सर्वत्र लगाम सूत्र का प्रयोग किया। जो शेष बचता है उसका द्वित्य किया जाता है, तो अनादव शेषादेश द्वितम सूत्र का प्रयोग करके ता को द्वित्य किया, क्योंकि ता शेष बचा है। ये आवर्तमाणो, ये दूसरा वाला रूप यहां सिद्ध हो जाता है। अब हम इस सूत्र का प्रयोग करके 271 नंबर सूत्र का प्रयोग करके वा का लोप करेंगे स्वर सहित। तो वा का लोप किया तो क्या बचेगा, आत्मानो। क्योंकि संयोग से पहले दीर्घ आ रहा है अर्थात ह्रस्व संयोगे सूत्र का प्रयोग करके दीर्घ आ के स्थान पर ह्रस्व आ कर देंगे अत्मानो। ये संस्कृत से प्राकृत बन गया। अगला उदाहरण देखते हैं एक उदाहरण और देख लेते हैं हम इसका। देवकुलम,
देव कुलम, इसकी प्राकृत बनेगी देवुलम या देवउलम। वही 3y25 नंबर का सूत्र 1y23 नंबर के सूत्र से नपुंसक लिंग का सी प्रत्यय लगाते हुए माँ का अनुस्वार किया तो देव कुलम। काका लोप करेंगे, कागा चाजा तादा पाया वाम प्राया लोप सूत्र से। देव उलम, उस और उसका शेष बचेगा तो देव उलम। अब हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे 271 नंबर सूत्र का, जिससे वा का स्वर सहित लोप करना है तो क्या बना दे उलम, अर्थात ये रूप इसका सिद्ध हो जाता है दोनों देवलंबी और देव उलंबी। ठीक है, इस प्रकार से ये शब्द का उदाहरण पूर्ण हुआ, सूत्र भी ये पूर्ण हुआ और जितने उदाहरण इसमें शेष बचे हैं वो आप स्वयं बना करके देखेंगे, अभ्यास करेंगे। और इसके साथ ही ये हमारा 8वें अध्याय का प्रथम पाद इस सिद्ध हम शब्दानुशासन ग्रंथ का पूर्ण हुआ और आज की कक्षा भी यहीं समाप्त होती है। आगे का अगले दिन से दूसरा पाद प्रारंभ करेंगे अगली कक्षा में, तो हम जिनवाणी स्तुति करते हैं। श्री जीने वाणी जग कल्याणे जग जन मदता में मोहे हरी जन मण हारी गण हरे हारे जम्मे जरा भाव रोगे हरी तिथि राणम दिव्य धुनि थुणिम जो पढ़ही सुनई मये धारे राण में सुखे मणंतम धरी सासद मुखे पदम पावई सासद मुखे पदम पावई नमो जिनाणम।